और जिंदगी के इस मसले में का हल
एक अल्लाह ही से हल समझो और किसी के हाथ में हल नहीं है। ईमान इसी का नाम है, अल ईमान बैन अल खौफ व रजा। खौफ और डर तो एक अल्लाह ही का और उम्मीद तो एक अल्लाह ही से। हर काम हर मसले का हल एक अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ही से उम्मीद रखकर आदमी कदम उठाए। असबाब को अल्लाह ने पैदा किया इम्तिहान के लिए, असबाब में कुछ है नहीं। किसी अल्लाह का राजानों ने पुराने पाक में वो वाकया बयान किए हैं, इसमें असबाब अपनी कासे दिखाने से हाजिर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया पुराने पाक में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के हाथ में डाला, हालांकि आग में जलाने की मुतासिर अल्लाह रखी है, आग में जलाने की सिफत है, लेकिन वो उसकी अपनी अपनी नहीं है, वो अल्लाह की रखी हुई रखी हुई सिफत है। आग अपनी सिफत के जाहिर करने में अल्लाह के मोहताज है। जब तक अल्लाह तआला का हुक्म न हो आग जलाने से, अगर आग पर अल्लाह का हुक्म हो जाए कि तुम नहीं जला सकते तो नहीं जला सकते। जो कुरान पाक अल्लाह ने फरमाया है कुल ना यारा रब्बुन इन्ना का मुसलाम अलैहि वसल्लम, हमने आग से कहा अल्लाह कह रहे हमारा हुक्म हो आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तुम ठंडी हो जाओ, हमारे अंदर जो हमने ताकत रखी है उसे खत्म कर लेते हैं, तुम ठंडी हो जाओ और ऐसी ठंडी बनो कि जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी ना हो, सलामती वाली। अगर अल्लाह ताला चाहो सलामती वादा अल्लाह न कर और हुक्म न कहते तो आग ठंडी हो जाती बर्फ की तरह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में परेशानी होती डालेगा या आग में डालेगा। ऐसे में दोस्तों अल्लाह ताला का एक निगरान है असबाब का, अल्लाह अपना पाबंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला शानों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा किया, अपनी खुदा से पैदा किया, पाबंद नहीं है। हमने अपना निज़ाम बनाया है, असबाब के रास्ते से दुनिया चल रही है। हाँ, नर और मादा के मिलने से औलाद पैदा होती है, जानवर की भी जानवर पैदा होते हैं, इंसान के भी नर और मादा मर्द औरत के मिलने से औलाद पैदा होती है। लेकिन अल्लाह तआला शानों इसके पाबंद नहीं है, अल्लाह की कुदरत इसके वजह है, अल्लाह इसके बगैर अपनी कुदरत से कुछ कर सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम को बगैर निकाह और शादी के बेटा दिया है। कुदरत से दिया, ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने अपने कुदरत से पैदा किया। हजरत मरियम ने ये भी कहा कि मुझे किसी मुश्किल ने छुआ नहीं है, मुझे बच्चा कैसे पैदा होगा। कुरान में सब है, पढ़ो कुरान पाक को पढ़ो ताकि अल्लाह के कुदरत समझ में आए। अल्लाह को पहचानना जैसा कि वो है अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से, इसका मुतालबा ईमान में है। तो फरिश्ते ने ही कहा कि अल्लाह का यही हुक्म है और अल्लाह अपनी कुदरत बताना चाहते हैं, वो अपनी कुदरत से तुम्हें बेटा देंगे। और इससे पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई तो इनकी वालिदा ने मन्नत मांगी थी कि मैं अगर मेरे बेटा पैदा होगा तो मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए उसको दूंगी, लेकिन लड़की पैदा हुई तो इनकी खिदमत और तरबियत के लिए अल्लाह ने हजरत ज़करिया को तय फरमाया। हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं,
उनके रिश्तेदार हैं, वो उनकी परिश कर देते हैं। तो वैसे मुकदस के कमरे में उनको रखा गया था। और जब जकरिया अलैहिस्सलाम फिर हजरत मरियम को उसके पास मुलाकात के लिए आते थे, तो उनके पास देख मौसम के फल देखे कि मौसम फल का नहीं है और वो फल उनके कमरे में है, तो कमरा बंद है और कोई आता जाता नहीं था। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम से पूछा, या मरियम अपना लेके हार जा, ये बेमौसम के फल मरियम कहाँ से लाए, कहाँ से आए? हजरत मरियम ने इसके जवाब दिए, फरमाया अलग हुआ मैंने दिल्ला, अल्लाह ने दिए अपने कुदरत से, अल्लाह कादिर है। अलग हुआ मैंने दिल्ला, हजरत मरियम ने कहा अल्लाह के अलग पास से आए। और फिर मरियम ने एक बात कही, अल्लाह रज़क मैं यशा और गरीब हिस्सा, दुनिया में भी है इंसान अजमा इख्तियार करता है फिर नदी जाता है, मेहनत से इधर करना मिला, यहां कोई मेहनत हुई नहीं है। इन मसायल जो मैं यशा और गरीब हिस्सा, अल्लाह तला जैसे चाहे बगैर हिसाब या बगैर अपनी अपना जाहिरी निजाम के खिलाफ देता है। ये है बगैर हिसाब का उलमा लिखा है, बगैर हिसाब आए बगैर कल्पिन बगैर जुम्मन है, अल्लाह तला जिसे चाहे बगैर मेहनत के बगैर बगैर काबिश के देता है, कंजिया मिले बगैर मेहनत के दिया है, अपने कुदरत से दिया है। इन हमारे जो मैं यशा और बगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बगैर जो इसका हिसाब है दुनिया का जारी निज़ाम उसके खिलाफ वो देता है। ये वाक़ कुरान में बयान किए हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत को समझा नहीं गया, अल्लाह कौन है आज हम अल्लाह को पहचानते नहीं है। अल्लाह एक है ये कहते होते एक का क्या मतलब, हम अल्लाह को नहीं पहचानते। अल्लाह की पहचान और मारिफत के दान अपनी सिफात बयान की है। दुनिया में सिफात अल्लाह की है, और ये दुनिया की सिफात जो है ये अल्लाह की दुनिया की शानें हैं, शान अल्लाह। ये हजरत जकरिया है, उनको अल्लाह तआला शानों ने अपने जाहिरी निजाम के खिलाफ अपने कुदरत से बेटा दिया है। अगर जकरिया बूढ़े हो गए थे, आम तौर पर खुदा का निजाम ये है कि एक उम्र तक औलाद होती है आदमी को, फिर वो उम्र हो जाने के बाद फिर औलाद होना बंद हो जाती है, और औलाद तब होती है जबकि औरत बांझ ना हो, तब होती है। हजरत जकरिया की बीवी बांझ थी, जो उनको बुढ़ापे होने तक औलाद दी हुई बांझ थी, और हजरत जकरिया फिर बूढ़े हो गए, औलाद और देने की इस्तेदाद होने के बावजूद अगर मर्द जो है बूढ़ा हो जाता नहीं होती। लेकिन यहां दोनों चीजें हैं, मर्द में भी इस्तेदाद नहीं है और औरत में भी कोई इस्तेदाद नहीं है, और अल्लाह ने बेटा देने का वादा फरमाया कि हम तुमको बेटा देंगे, और ये बेटा मिला कैसे, दुआ पर मिला है। दुआ मामूली चीज नहीं है, दुआ जबरदस्त ताकत रखती है। जहां दुनिया के असबाब वालों के असबाब की तमाम ताकत खत्म हो जाती है, वहां दुआ की ताकत जाहिर होती है। यहां बेटा पैदा होने की कोई भी नहीं थे उम्मीद, लेकिन अल्लाह ने अपने कुदरत से हजरत जकरिया को बेटा दिया। और जो हजरत जकरिया ने ये कहा करता है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी पांच या बेटा होगा कैसे,
अल्लाह ने जैसे तुझे बगैर कुछ के पैदा किया, तुझे बेटा भी ऐसे अल्लाह अपने मुद्दों से देगा। अल्लाह ने अपने मुद्दों से बेटा दिया आदम यहया, अपने खुद समझाई इंसानों को कि तुम इन जाहिरी अस्बाब के चक्करों में धोखे में ना पड़ो, कैसे हो रहा है, इसे हो रहा है, इससे किसी कुछ नहीं होता, इसके पीछे अल्लाह की कुदरत है, इस अल्लाह की कुदरत से पूरा निजाम चल रहा है। अल्लाह ने वो खल्क और अम्र कायनात की हर चीज का खालिक एक अल्लाह है, अल्लाह ही ने इसको पैदा किया है, और कायनात की हर चीज पर कंट्रोल अल्लाह का है, किसी का नहीं। दी है अल्लाह ने चीजें, अल्लाह ने इंसानों को दी है, लेकिन इसमें कंट्रोल किसका है? अल्लाह का है। मालदार को अल्लाह ने माल तो दिया है, लेकिन माल के जरिए इज्जत देना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। बादशाह को बादशाह अल्लाह ने दी है, लेकिन बादशाह अपने इज्जत देना, कामों को बनाना, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। हाँ, बादशाह चाहे कितना पावर वाला हो, आसमान जलना बारिश रोक ले तो इसके इसके मुल्क का निजाम नहीं चल सकता। हाँ, इंसानों को अल्लाह ने असबाब अपने कुदरत से दिए हैं, उनको इनको पूरे दे दिए हैं। इंसान का मालिक बजाय जाहिर मालिक नजर आता है, लेकिन इन असबाब पर कंट्रोल अल्लाह का है। किसी को चाहे आदमी आदमी को जवानी में कमजोर कर देता था, लोगों का जमाना जवानी में बुरा हो गया तो उसके हाथ में है ही नहीं कि जवानी में जवान रहे और ताकतवर रहे। अल्लाह जवानी में ताकत नहीं कर रही। किसी को बुढ़ापे में अल्लाह पहुंच देता है। लोग कहते हैं बुढ़े बोलो, लेकिन तुम तो जान दिखते हो। आंखें अल्लाह ने दी है, लेकिन आंखों में नूर रखना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। जिसको चाहे चश्मा पहना दे, और जिसको चाहे चश्मा पहनाने के बाद भी आंखों की रोशनी कमजोर कर दे। दुनिया में देखिए कितनी अल्लाह ने भी इंसान को दो किडनी दी है, लेकिन दोनों किडनियों का कंट्रोल किसका है? अल्लाह का है। जब चाहे किडनी चले और जब चाहे मरना। अच्छा, बात लोग कहते हैं कैसे हुआ, लेकिन पहले जैसे कुछ था ही नहीं, कैसे हुआ? अल्लाह की कुदरत से हुआ। अल्लाह को मान, अल्लाह को मान कि अल्लाह अल्लाह की कुदरत से हुआ। ये हर चीज किसे होती है बोलो? अल्लाह से। कोरोना किसे होता है? क्यों इसका डरते हैं? क्यों इसका तासुर दिन में लेके चलता है मुसलमान? गैर मुस्लिम इसका तासुर लेके चले अल्लाह को नाराज नहीं होता, लेकिन मुसलमान इसका तासुर लेके चलता अल्लाह बहुत नाराज होता है कि मेरे पर ईमान रखकर उससे इसको बोलता है। इसलिए ये जितने हालात हैं, इन हालात के दूर करने का एक ही रास्ता है, ये मुसलमान तौबा करे, अल्लाह के सामने अपने आप को मुजिब ठहराए कि अल्लाह हमने ईमान के खिलाफ बोल बोले हैं और हम इस मखलूक का तासुर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें माफ करो। कोई भी चाहे हुकूमत वाला हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, अगर इसके ईमान का बोल ये है जो गैरों का है, अल्लाह अल्लाह नाराज है। तबलीग वाले अगर इसको बोल रहे हैं अल्लाह इसी से नाराज है, जो कल तक अल्लाह को बोलते थे आज मखलूक को बोल रहे हैं। एक अल्लाह करने वाले जात है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान जिस मखलूक का डर दिल से निकाल देता है और जिस मखलूक से डरता नहीं है, वो मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुजूर के पास एक सहाबी आए कि हमारे ऊंटों में खुजली, खुजली की बीमारी है और ऊँटों के ऊँटों एक ऊँट से दूसरे ऊँट को खुजली लग जाती है। ऊँटों का बिल्कुल नहीं,
किसी ऊंट की खुजली का असर दूसरे ऊंट को लगता ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया पहले ऊंट को खुजली किसने लगाई, पहले ऊंट को जो खुजली वो कहां से आए? बात तो सही है, अल्लाह को तो जिस अल्लाह की कुदरत से और जिस अल्लाह के हुक्म से वहां खुजली आई उसी हुक्म उसी के हुक्म से दूसरे ऊंट को खुजली आई है उसके उसके पास रहने के लिए। मेरे भाई मेरे अजीजों, तौहीद ईमान, ईमान का तकाजा यही है कि दिल से खुदा के मासिमा का ताल्लुक निकाला जाए। हमारे बुजुर्ग थे हज अब्दुल वहाब साहब, वो फरमाया करते थे आज के मुसलमान के दिल में खुदा के गैर का तासुर लिए हुए है, खुदा के गैर का तासुर लिए हुए है। पेट्रोल वाले पेट्रोल का तासुर लिए हुए हैं, हुकूमत वाले अपनी हुकूमत का तासुर लिए हुए हैं, माल वाले माल का तासुर लिए हुए हैं, जिसके पास डिग्री होता वो उसका तासुर लिए हुए हैं। ये है जो बात मेरा काम बनता है, इसलिए अल्लाह ताला शानु, अल्लाह ताला शानु की कुदरत के खिलाफ है। साहबा ने अल्लाह का अल्लाह की वहदानियत को समझाने के लिए गैर मुस्लिमों काफिरों को काफिरों के बीच में हजरत सलमान फारसी ने जो जहर उस कैदियों जो जो काफिर कैदी होकर आए थे और जब उनकी तलाशी ली और तलाशी लेकर उनके जेबों से चीज वो देखी निकली कागज में बदी हुई कोई चीज निकली बोली तो ये क्या है? तो ये जहर है। क्यों इस जहर लेके आए? ऐसे लाए हैं कि अगर हमें हमें मरना हो तो इसको पी कर मर जाए। तो हजरत सलमान ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा अच्छा जहर जहर भी मार सकता है? अल्लाह के सिवा किसी में किसी के हाथ में मौत नहीं है, दाओ। उसके सामने से जहर लिया उसके हाथ में से और उसी के सामने पिया और जिंदा रहे। एक अल्लाह के हाथ में मौत, मौत किसी मखलूक के हाथ में, तुम ऐसा मत करियो, मेरे यकीन बनाइयो। शायद पड़ोस के मुल्क में एक साथी अपना ईमान यकीन बना हुआ था उसका, कहीं गया होगा तो इसने कहा दूर रहो जल जाओगे। अच्छा तो उसने तेल की जाड़ी जो होती है ना उसी में हाथ डाल दिया, जानता जरा होती है, लेकिन उसने किया ना तो मत कर। पहले पहलवान बनने से पहले पहले धोए खाओ, ताकत पैदा करो फिर पहलवानी करी लो। दावे दावे करने से कुछ चलता नहीं है, अल्लाह को दावे पसंद नहीं है। दावा एक अल्लाह को है, इन्नी अल्लाह मैं हूं अल्लाह, वो दावा तक कर सकता है, बाकी मैं और आप दावे नहीं कर सकते। और जो दावा करता है खुदा उसकी कमर को तोड़ता है, उसे हद है। इन्नी अल्लाह मैं हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं सब कुछ करने वाला, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं ही करने वाला हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। फाबुद नहीं, जब मेरे ही हाथ में तो मेरी मानो, मेरी इताअत करो, मेरे सिवा किसी और की इताअत क्यों करते हो? मेरी नाफरमानी मखलूक की मखलूक से डर कर उनकी इताअत में मेरी नाफरमानी क्यों करते हो? सब कुछ मेरे ही हाथ में, मुसलमान का बच्चा कारोबार में हराम रास्ता क्यों इख्तियार करता है? इसलिए किसके दिल में अल्लाह का यकीन नहीं है, ये रोटी का मालिक एक अल्लाह है और वो उसने मुझे हलाल तरीके से कमाने का हुक्म दिया है। लिहाजा मुझे उसी की बात को मान कर उसी की इताअत के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मुझे कारोबार हलाल तरीके से कमाना है,
मुझे अपने अपने मुलाजमत में रिश्वत नहीं लेनी है, मैं रिश्वत के रास्ते से मालदार बनूंगा तो मेरी जिंदगी बनेगी नहीं। कुर्सियों के लिए मुसलमान का बच्चा अपने भाई की इज्जत पर क्या नहीं बनेगा, कुर्सी में इज्जत है ही नहीं, इज्जत कमाने के बल्ला है। मसाइल का किसी के हाथ में नहीं, किसी के पास पावर है ही नहीं। जब तक अल्लाह चाहेंगे होगा, और जब अल्लाह तारा शाम नहीं चाहेंगे, सब कुछ हो जाए कुछ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह नफाबुद्दी वाकिरी, मेरी इताअत के लिए नमाज कायम करो। मेरी इताअत का रास्ता, रास्ता जो दरवाजा क्या है, नमाज है। ईमान के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म और पहला हुक्म क्या है, नमाज है। सबसे पहला हुक्म जो आया ईमान के बाद नमाज का हुक्म आया है। नमाज दरवाजा है जिंदगी में दीन के आने का। इस नमाज को मुसलमान बच्चे छोड़े हुए हैं, और नमाज पढ़ता है तो नमाज ही सही नहीं है, दरवाजा ही सही नहीं बना, तो कहां से दाखिल होंगे, दीन कैसे आएगा। जिंदगी में कंट्रोल करने वाली चीज नमाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज की मिसाल दीन में ऐसी है जैसे इंसान की जिस्म में सर है। अगर सर ना हो तो इंसान बाकी रह सकता है, और सर में आगे ना हो तो इंसान परेशान हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेगा। काम नहीं है तो अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता, दिमागी फेल हो गया तो बाहर से खेलता रहेगा। ये सर जो है ना, ये पूरे जिस्म का कंट्रोल करता ही है। ऐसे नमाज है कि जब नमाज सही हो जाएगी, आज हमारी नमाज सही नहीं है, माफ करना, हमें तबलीग में लगे हुए सारा साल हो गए, अभी हमारा ईमान भी नहीं बना और अभी हमारी नमाज भी नहीं बनी। हालांकि ये मेहनत दो चीजें बनाने की है। हजरत ये सलाह फरमाया करते थे, मुसलमान का कलमा और नमाज अगर ये दो बन जाए तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी के तमाम शौकों में दीन आएगा, मामला का, माशरत का, अखलाक सा। हजरत फरमाते थे, इबादत की लाइन से जिंदगी में दीन आएगा और मामलात की लाइन से जिंदगी से दीन निकलेगा। जब मुसलमान का ईमान बनेगा और मुसलमान की नमाज बनेगी तो ये दो बनने के बाद उसकी जिंदगी के हर शोबे में दीन आएगा, मामलात में, माशरत में, अखलाक में दीन आएगा। हाँ, कुरान ने मुसलमान को माशर का दिन बताया है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यस्तर क़ौमुन मिन क़ौमिन असा यकुनु खैरन मिन्हुम। ए ईमान वालों, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक न उड़ाओ। एक माशर का तो मना ही बताई दे अल्लाह अल्लाह हसी मजाक, किसी की मजाक उड़ाना इस इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जिस साहब के साथ तुम उसकी मजाक उड़ा रहे हो सकते हो तुमसे बेहतर हो, ऐसा ही अपन खैर उमिन हो। मजाक उड़ाने वालों की मजाक एक तरफ रह जाए। बोला निशाओं की निशाएं, औरतों में आदत ज्यादा होती है अपने को बड़ा समझना, दूसरी को नीचे गिराना। वाला निशाओं में निशाइन आसाइन अपन खैर मिन, ये तमाम माशर की लाइन को कुरान ने खोला है। वाला तल बिजु अंदुजक वाला तना नजु बिलखा, कुरान एक है, कुरान पढ़ो। हाँ, हम कुरान को पढ़ते भी नहीं और हम कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुरान पाक को जिंदगी के पूरी
जिंदगी के गुजारने का पूरा एक निजाम उसमें है, कैसे रहना, कैसे बोलना, हाँ कैसे चलना, चलना भी कुरान ने सिखाया है। बोला तुम से मिलोगे मना, जमीन पर अगर क्यों चलो, घर में रहने का तरीका कुरान ने सिखाया है। या यो नदी नाम ये स्थान को मैं नदी नमन करते ही मानू हूँ वल्ला भी पंद्रह दिन लगे को हर मसला तो मरवा कि तुम्हारे छोटे बच्चे और तुम्हारे घर के नौकर चादर जो हैं ये तीन वक्त में बगैर इजाजत और पूछे कमरे में ना होने। आगे का जो कमरा होता है खुशू के रहने का, तो वहाँ आने से पहले इजाजत मांगी है। हाँ उनका बेसरा थे भज फजर की नमाज से पहले पूछो आओ फिर आवे, बच्चे भी हमारे छोटे इसलिए कि उनकी पोजिशन में और बच्चा आ गया अंदर मुकाबले सर वही में कर रहा हूँ से आप मेरा दही रहा। और जब दोपहर को तुम लेटते हो अपने कपड़े उतार के सोते हो उस वक्त भी बच्चों से कहो घर में बगैर पूछे ना आया करो कमरे में और ईशा की नमाज के बाद इतनी वक्त कुरान सिखा रहा जिंदगी। अमीन बाद ईशा सलात और रातिन लकुम ये तीनों मौत ऐसे हैं इसमें तो एहतियात करो अपने आप को एहतियात से रखो इसमें ये अपने आप को छुटवाने का वक्त है जाहिर में आने का वक्त नहीं है भाई कपड़े उतार के बच्चे के सामने आओ बेहद पेशन में आएगी उसमें तुम अपनी बीवी के साथ बैठे हो किस पोजिशन में बैठे हो तुम्हारा बच्चा आ गया मना किया इनके औकात में बगैर इजाजत के इजाजत लेकर आओ मेरे कुरान ने सब सिखाया है। या यो नदी नाम ला कर भो अस्वाद को भो पशु तुमने तुम्हारे अपने जिम्मेदारों के सामने तुम्हारे अपने नबी के सामने अपने आवाज को बुलंद न करो अपने बड़ों के सामने आदमी अपने बाप के सामने बुलंद आवाज से बात ना करे मना है बाप के सामने जोर से बात करना अदब के खिलाफ है माँ बाप के सामने बड़े भाई के सामने अपना कोई बड़ा जिम्मेदार है यहाँ तक कि जमात में निकलो तो अपने अमीर के सामने भी जोर से न बोलो अमीर का ख्याल रखो मेरा अमीर है जिंदगी माशरा ही कुरान अभी रमजान में सुनाया गया था इसलिए सुनाया गया था कि इस कुरान पाक को पढ़ो सुनो समझो और जिंदगी के बदलाओ और इस पुराने पाक की मेहनत भी मैंने जिंदा करो इसी में आया था और खूब याद रखो हर इंसान से उसकी जात के बारे में पूछा जाएगा कि तूने अपने आप को कुरान के ताबे जिंदगी गुजार के आया कोई आया नहीं आया ना हम किसी की हिदायत के जिम्मेदार नहीं है मेहनत के हम जिम्मेदार है बाकी किसी की इस्लाह की जिम्मेदार बाकी अपनी जात की इस्लाह के लिए उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है या यो लजी नाम को अनुभव तुम वाले को लौड़े ही मार वालों अपने आप को जानन की आग से बचाओ क्या मतलब जानन की आग से जिन आमाल से जानन की आग में जाओ इससे अपने आप को बचाओ सीखो अपनी इस्लाह करो अपनी इस्लाह करना फर्ज है हर आदमी का और ये मेहनत अपनी इस्लाह के लिए आज कहते हैं बोलना शुरू छोड़ दिया आप लोगों ने कि भाई अपनी इस्लाह के लिए से निकलो वरना हम जिस जमाने में दावत के घर में लगे थे उस जमाने में पहले दिन से इस्लाह अपनी करने निकलो गश्त में जाओ तो मैं अपनी इस्लाह के लिए से गश्त में जाओ बयान करो बयान किसी का तय हुआ है कुर्सी में बैठने का तो भाई अपनी इस्लाह के साथ बयान करो कि अपनी इस्लाह के लिए से बात करो ईमान की बातें कहो इसलिए से कि अल्लाह मेरा यही ऐसा ईमान बना दे गश्त में
उस जमाने में कहा जाता था मुतकल्लिम से कि मुतकल्लिम मुसलमान भाई से बात करे, अपना कमजोर ईमान ले जाकर कवि ईमान की दावत दे ताकि मेरा ईमान कवि हो जाए, मेरा ईमान ऐसा नहीं है। जश्न में जाने वाला हर साथी मुतकल्लिम की बात तो इसलिए से खुद सुने कि अल्लाह मेरे अंदर ये बात उतार दे, दूसरों को लेने जाने की बात तो बात की है। हाँ, हमारे कारी नहीं फरमाया करते थे अमूमी गश क्या है, तो अमूमी गश अमली मश्क का नाम है कि जो मस्जिद में तुमने जिंदगी गुजारी उसी जिंदगी को जाकर बाहर जाके गुजारता हो, अपनी निगाहों को नीचे रखना, अपनी जबान के बोल ईमानी बोल बोलना, अपने आप को मुतवाज़े बनाना, मुसलमान के सामने अपने आप को छोटा बनाकर बात करना, इसकी अमली मश्क करने का अमूमी गश है। लोगों को लेके जाना तो बात की बात है, उनको लाना हमारे हमारे कब्जे में है ही नहीं, उनको तो लाने वाला जात अल्लाह की है, तो अल्लाह की जात लाने वाले उसकी तो हमारी तवज्जो होती नहीं है। गश्तों में जाने के बाद कोई भी देखता है, कोई भी देखता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, अरे गश्त में जाकर तू अल्लाह की तो मतलब जो हो गया, इन जिनके पास हम जा रहे हैं उनको लाना तो तेरे कब्जे में है, तू लाएगा तो आएगा, ऐसा इन्हें तौफीक दे, इन्हें तेरे अपने घर में आने की तौफीक अदा फरमा दे, इसकी दुआ करता हुआ और अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ता और जुबान से अल्लाह की याद करता हुआ, निगाहों की हिफाजत करता हुआ, आखिरत को सामने रहते चलता हुआ ये अपना गश्त करे तो गश्त है, नहीं तो राउंड है जो आज हम कर रहे हैं, गश्त है ही नहीं, इसका असर भी नहीं है। पहले गश्त की जमात बाजारों से और मोहल्लों से लोगों को नकद लेकर आती थी, गश्त इसलिए है, लेकिन गश्त तो हो नियत, नियत का कोई ध्यान दिलाया नहीं जाता और बगैर नियत के अमल है ही नहीं, कि भाई गश्त में क्यों जा रहे हैं आप, किस नियत से जाना चाहिए, किस नियत से बात करनी चाहिए, गश्त में किस नियत के साथ हमें अपने भाई के साथ जब बात हो रही हो तो हमें किस तरीके से रहना चाहिए, ये सब चीजें खत्म हो गई। गश्त में लंबी लंबी बातें करना आती है, हजरत आदम से शुरू करते गश्त की बात आदम से मत शुरू कर, वो तो उसी दिन से भाई हमने अपने भाइयों को मिलने जाना है, अपने भाई जो गफलत में उनका नुकसान हो रहा है उन्हें नुकसान को नुकसान से बच जाए, अपने भाई के पास जाकर उन्हें समझा बुझा कर लाना है भाई, और भाई को अब्दुल्ला के लिए मिलने का स्वभाव भी है और गश्त का स्वभाव इतना है, एक पाँच सात मिनट में दस मिनट में गश्त के फजाइल गश्त का फायदा बताकर सबको तैयार करना है कि भाई तुम तैयार हो, फिर गश्त समझाओ निकलने वालों को, समझा कि सही गश्त करें। हाँ, पहले पुराने कहते थे गश्त ऐसे करो कि तुम्हारा गश्त अल्लाह का कबूल हो, गश्त कबूल होगा दावत कबूल होगी तो दुआ कबूल होगी और दुआ कबूल होगी तो हिदायत आएगी। कश्मीर में जाना तेरे बस के बाद में तो चाहे कितनी अच्छी बात करता हो, तेरे बस में है ही नहीं, तेरे हाथ में है ही नहीं, अल्लाह के हाथ में है, इसे तू पहले अल्लाह के सामने अपने आप को बेबस करार दे, गलता से तू करेगा तो होगा, उसके सामने रोना, अल्लाह को मनवाना पहले, अल्लाह को मनवा के फिर जाना। फिर लोगों को ये इस तरह मेहनत करना आती थी, वो मेरे दोस्त जबान भी नहीं जानते थे, मस्जिद को मस्जिद बोलना नहीं जानते थे, मस्जिद कहते मस्जिद, वो दुनिया में काम करके चले गए। अभी लंबी लंबी बातें और बड़ी बड़ी बातें करना तो आती हैं लेकिन जिंदगी का रुख सही नहीं होता, मेहनत सीखने की जरूरत है और सीखने निकलो सीखने, ठीक है मेहनत करने पर अल्लाह ताला जमात निकाल दे उसका एहसान है, बाकी असल तो हमारी जात है, हम सोचे कि ये इस किले में या चार महीने में मेरे ईमान की ताकत कहाँ तक पड़ गई, मेरी नमाज में जान कितनी पड़ी, मेरे अंदर तवाज़ो कितनी आ गई, मेरे अंदर उम्मत का दर्द कितना आया, मुझे अल्लाह के सामने रोना कितना बढ़ा मेरा, मेरे अंदर ये चीज़ें कितनी आई,
मेरे अंदर आखिर के सजा कितना आया। हर खुरूज आदमी के ईमान में तरक्की का जरिया बनना चाहिए, हर खुरूज आदमी की नमाज में ताकत बढ़ने का जरिया बनना चाहिए, हर खुरूज इंसान में 24 घंटे की जिंदगी नबी के तरीके पर आने का फिक्र बढ़ना चाहिए, हुजूर वाले इल्म का शौक दिल में आना चाहिए, हर मौके गाइड सीखना चाहिए। इल्म का मकसद इसी की यही है कि आदमी में तहकीक की सिफत पैदा हो जाए कि हर काम के करने से पहले ये तहकीक करे कि इसके में अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, मुझे किस नीयत से करना चाहिए, ये तहकीक करके उस काम को करे। वो एक नौजवान शादी कर रहा है तो शादी करने से तहकीक करे, मुझे निकाह कैसे करना चाहिए, निकाह करने के बाद मेरी बीवी के हुक्म मेरे पर क्या है, मुझे कैसे रहना चाहिए, इसका इल्म सीखना इस पर जरूरी है। माँ बाप के क्या हुकुम है, सास और ससुर के क्या हुकुम है। पहले मेरा एक अलग खानदान था, निकाह के बाद दूसरे खानदान से मेरा जोड़ हुआ है, अब उनके हुकुम क्या है। बीवी पर बीवी का खर्चा मेरे जिम्मे है, वाजिब है, तो खर्चा कैसा है, मेरे पर खर्चा है और हलाल तरीके से उसको खर्चा देना मेरे पर वाजिब है, तो हलाल कमाई करने का तरीका क्या है, ये सब सीखना होगा। अपनी बीवी की दीनी और ईमानी तरीके सीखनी होगी, और वहां है मर्द जिम्मेदार है बीवी का, उसे ईमान सिखाना, उसे तकवी की जिंदगी सिखाना, उसकी जिंदगी में नबी वाले तरीके आए, उसका लिबास सुन्नत वाला बने, उसको उसको घर में अपने आप को खाने की फिक्र दिलाना, ये पूरी चीज है। जानवर की तो खाई पूरी करने का नाम थोड़ा निकाह है, निकाह होने के बाद मियां बीवी का ताल्लुक हो गया, वलहुम नबिसुद्दत अलैहिम बिलमारूफ, वो तुम्हारी बीवी बना के लाए हो और उसके हुकूक हैं, उसे ठीक हो। तिजारत करने से तिजारत का तरीका सीखो, हलाल तरीका क्या है, जो जिस शोबे में उस शोबे का दीन कायम में सीखना उस पर फर्ज है, जो चीज फर्ज है उस टाइम में भी फर्ज, जो चीज वाजिब उस टाइम में भी वाजिब, जो चीज सुन्नत उस टाइम में भी सुन्नत। तो 4 महीने चीजें रखा है छुट्टी नहीं, अब अपनी जिंदगी को बदलो घर जाकर कि मुझे दीन का बेच में सीखने के लिए वक्त निकालना है, मुझे अपनी जिंदगी में सीखना जरूरी है, मुझे अपने घर की माशरत का दीन सीखना जरूरी है, मुझे अपने कारोबार का मेरा जो भी सबब है उसका इल्म सीखना जरूरी है, और मुझे अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है कि मैं अल्लाह का बनता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे नबी का उम्मती हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसको सीख कर समझ कर और उसको पूरा करके जिंदगी गुजारनी, मुझे बाजार में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। और किस्म के खाने तलाश नहीं करने, कौन कहाँ तो बाईस का होटल है कहाँ है और कहाँ खाना अच्छा मिलता है, इसके लिए नहीं है। जमात में निकल कर अगर इलाकों में जाकर वहां के खाने लेके घर जाओगे तो किस्सा हुई नहीं है, मुल्कों में जाकर वहां के चीजों के और वहां के बंगले और वहां के रोडों को देकर रोड देखकर यहाँ तो उसके तस्के करने वाला बनकर आया, कुछ लेकर नहीं आया। इसलिए कहा जाता है बार बार 4 महीने लगाओ और इतना वक्त लगाओ कि तुम्हारे अंदर ईमान जो अल्लाह के यहाँ मतलूब है वो ईमान हमारा बन जाए, हमारी नमाजें सही हो जाए, हम अपनी नमाजों को सही करने की फिक्र नहीं करते, जो पहले दिन की नमाज वही हमारी नमाज है, अल्लाह के ध्यान वाली नमाज, सुन्नत वाली नमाज। हाँ, पूछो नमाज से सजदा कैसे करना चाहिए, रुकू कैसे करना चाहिए, खड़ा कैसे होना चाहिए, ना अल्लाह के नबी की नमाज कैसी है वो सीखना है, अल्लाह का ध्यान नमाज लगाना इसकी एक मेहनत है। अल्लाह का जिक्र जितना करेगा आदमी इसकी दिल में अल्लाह का ध्यान आएगा और ध्यान के साथ नमाज पढ़ेगा तो फिर इसकी नमाज सही होगी। आज तो हमें इतना भी ध्यान नहीं होता कि मैं नमाज में हूँ। एक ड्राइवर
अपनी गाड़ी चलाता है तो उसे राइट के वक्त ध्यान रखना मैं ड्राइवर हूँ, तो वो इधर उधर नहीं देखता, वो अपने आप को चला राइट के वक्त ना सामने रखता है, शीशे से परखता है, हाँ मैं ड्राइव अभी ड्राइविंग इसे मोबाइल का मेरे को कॉल आता है मैं भी राइट हूँ। और आज के मुसलमान को ये भी ध्यान है नमाज लो, नमाज पढ़ रहा है, हाथ यूँ खेल रहा है, यूँ खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, निगाह कहाँ का फिरा रहा है, कुरान पाक कुरान पाक सही पढ़ रहा हूँ ये भी ध्यान नहीं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तस्वीर में कैसी पढ़ रहा हूँ, सुबह तस्वीर थोड़ी है। नमाज को जल्दी पढ़ना अल्लाह का पसंदीदा नहीं है, नमाज को इत्मीनान से पढ़ना अल्लाह को पसंद है। अब देखिए हमारी नमाज क्या है, वो इमाम सुबह सुबह जल्दी है सुभान रब्बी अलअज़ीम, नमाज में सुभान रब्बी अलअज़ीम और सुभान रब्बी अलआला हर नमाज में हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा इसका इसके माने क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कभी नहीं सीखा, अलहमद शरीफ के माने नहीं सीखे हमने, हालांकि हर नमाज में पढ़ते हैं, अपनी नमाज को सीखा नहीं जा रहा, नमाज एक मेहनत करना है, हाँ और नमाज जितनी जानदार बनती चली जाएगी इतनी जिंदगी सही ऊपर जाएगी, इन नसरात पैशा वन बनकर नमाज की तासीर है, जैसे साबुन की तासीर है कि साबुन किस मैट पर भी जाएगा तो मैट साफ हो जाएगा, ऐसे जब नमाज आदमी की सही हो जाएगी इसकी जिंदगी से बुराइयां खत्म हो जाएगी, ये नमाज की तासीर है, साबुन की तासीर मैट को साफ करना है, ऐसे नमाज की तासीर जिंदगी से गुनाहों को खत्म करना है, इन सलाह रतन हा अनिल काशा और मुनकर काशा और मुनकर खुदा की नाफरमानी और हराम जिंदगी से नमाज रोक देंगे, ये क्योंकि महाल है आदमी नमाज भूल बोले, आदमी नमाज मैं तो किसी की रीबत करे, आदमी नमाज किसी की मजाक करे, आदमी नमाज पढ़े वादा खिलाफी करे, आदमी नमाज तो किसी की माँ बहू बेटी को जान करे, ये महाल है मेरे दोस्तों नमाज से, आदमी नमाज पे गाली दे, आदमी नमाज पढ़े हराम की कमाइयां करे चोरियां करे, नहीं हो सकता। इसे उर्दू के जमाने में एक शादी के बारे में किसने कहा उर्दू थना आदमी नमाज नहीं पढ़ता चोरी नहीं करता है, लाइन में पढ़ी होगी आप लोगों ने, उसने फरमाया अन करीब उसकी नमाज उसको रोक दे, नमाज होनी चाहिए, साबु होना चाहिए, साबु हो तो फिर कपड़ा साफ होगा, मेन साफ होगा, साबु ही नहीं है तो मेरे भाइयों एक मेहनत है, उस मेहनत के जरिए अपने कर्म को बनाना, अपनी नमाज को बनाना, अपनी 24 घंटे की जिंदगी को अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के रंग में ढालते हुए जिंदगी गुजारना, और ये जिंदगी दुनिया में जिंदा हो इसके लिए दिल में फिक्र और दर्द पैदा करना, ये एक मकसद हमारी मेहनत का है, हम ऐसा रात में सोचे कि वो मकसद कहाँ तक हो रहा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि ये नमाज हमारे यहाँ पर आई हुई है, ये अपने औकात को सही गुजारें, अपनी अपनी ज़िंदगी बनाने की नीयत से वो गुजारें, हाँ और अपने औकात को सही गुजारते हुए फिर अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत को कोई काबिल कबूल है नहीं, बाकी तो कबूल फरमा कर हमारे ईमान को बना दे, हमें वो ईमान दे जो तू चाहता है, हमें वो नमाज पढ़ना सिखा दे जो तू चाहता है, तेरी पसंद जिंदगी हमें दे दे और तेरे मिलने वाला दर्द और हम हमें दे दे, मेहनत करने के बाद अल्लाह से मांगा जाए, हाँ मोहताज बनकर अलमोहिया साहब कहते थे दिल में थका देने वाली मेहनत करो, इतनी मेहनत करो दिन में, मेहनत के माने गश्त और फिरना नहीं अकेला है, मेहनत के में जहाँ गश्त है वहाँ इबादत में ताक में जिक्र में तालीम में अपने आप को थकाओ, नामाल में ये नहीं कि अगर क्या थक गया हूँ दान धर्म को भी इधर तालीम बोरे में इधर आराम कर लो, ये नहीं है, वहाँ से आके सीधे तालीम में बैठ
और अपने आप को ढका, अपने आप को आमान में ढका, जिक्र में, दुआ में, खुदा की मखलूक की खिदमत में। और मैं इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि थक्कर चखना चूर हो जाओ, और जब इतनी देर थक जाओ फिर अल्लाह से रोकर मांगो रात को उठकर, तो फिर अल्लाह तुम्हारी जोड़ी में कुछ डालेंगे। दिन में अपने आप को थकाओ और रात को अल्लाह के सामने ऐसी आजिज़ी करो जैसे फकीर भीख मांगता था मुझसे, और कितना आजिज़ी करता है सबके सामने, तो इससे ज्यादा अल्लाह से आजिज़ी करो कि अल्लाह तू हमें दे, तो फिर अल्लाह का शानो हमारे हमारे जो दिन डालेगा। इसलिए खुद भी अपने आप को इस वक्त पर लाओ और अपने साथ जो भी हमारे साथियों उनको समझा बुझा के इसी रुख पर लाकर अपने आप को बार बार चार महीने साल में बार बार लगाओ और अपने आप को अल्लाह से मेहनत करके मांगो। अल्लाह ताला अगर मौत तक भी वो ईमान दे देता है, और मौत तक भी वो जब जिंदगी दे देता है, और मौत तक अल्लाह आखिर का फिक्र दे देता है, और नबी वाली मेहनत और फिक्र दे देता है, तो ये सस्ता सौदा है। अगर दुनिया से ये लेकर गए तो कामयाब हो गए। अपने आप को बनाओ, मेहनत करते करते आदमी को अपनी कमजोरी देता रहने लगे, मेरी नमाज कैसी है, मेरा बोलना कैसा है, मैं कभी कभी कैसी बदलती है, दूसरों की खूबियां देखे अपनी कमजोरियां देखे आदमी, मेरी क्या कमजोरी, अल्लाह के नबी की तालीमात जिंदगी में आए और इस पर अपने आप को निशान डाले। दुनिया दुनिया की क्यों अल्लाह की नबी कुछ है नहीं, जो अल्लाह का बनता है अपना दुनिया उसके कदम डाल जाए, दुनिया की तो दिल दे जाए, जो अल्लाह का दुश्मनों को दुनिया देता है तो अपनी बंदूक नहीं देगा, दुनिया की कोई नहीं है, आखिर बनती से आखिर मौत, मौत के बाद की जिंदगी को रोजो ना सोचो, हाँ मरने के बाद मेरा क्या होगा, खबर में शर में अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। हाँ अल्लाह तआला शानो बंदों के हकों के बारे में हर से पूछेगा, और हर एक हर बंदे का आप दूसरे बंदे से अल्लाह दिलाएगा, जब तक वो हक अदा नहीं करेगा वहां तक उसके लिए जन्नत में जाने का फायदा नहीं होगा। अल्लाह तआला अपने अपने हक के बारे में तो अल्लाह तआला आपकी माफी का दरवाजा खोल देगा, नमाज नहीं पड़ी तो मेरे हुक्म तो नमाज नहीं किया माफ कर देता हूँ मैं, लेकिन बंदों के हकों के बारे में जब तक बंदे माफ नहीं करते वहां माफ नहीं होगा। इसके बारे में बहुत फिक्र करने की जरूरत है। आदमी अपनी बीवी चूंकि हुकूम पायमाल कर रहे उसको पता भी नहीं होता कितने पायमाल कर रहा हूँ, माँ बाप के, भाई बहनों के, दोस्तों के, साथियों के, हाँ जबान का बोल कंट्रोल में नहीं होता आदमी का, हालांकि वही वही जबान इसको जान मिल जाएगी। साहबा ने पूछा हुजूर से, क्या हुजूर हम अपनी बातचीत से हमारी बातचीत हम जो करते हैं बातें करते हैं उसमें भी हमारी पकड़ होगी, इसका भी हिसाब होगा। फरमाया तेरी माँ तुझे रोए, लोग अपनी जबानों की वजह से सर के बल घिसे से जान बढ़ा दिया जाए, ये इसको बहुत बहुत कंट्रोवर्सी की बात है। अल्लाह ने इसको 32 दादों में जीन रखी है, इसीलिए ये बहुत चलाओ मत, चलाने से पहले सोचो कि मेरा फोन मुझे कहाँ ले जाएगा। सब हाँ शादी रोजाना अपनी जबान को खेल कहते तेरी वजह से लोग जान डर जाएंगे, तो जिन किताबों में कि रोजाना इंसान का हाथ पैर आंख कान ये सब जुबान से आज ही नहीं कहते गलता कर तो सही रही हो, तेरी वजह से हमें जानवर डाला जाएगा। जो अपनी जिंदगी की तरतीब बदलाओ और चार चार महीने हर साल लगाने के तक फैसले करो और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तेरे रास्ते की मेहनत में सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए और मेरे जिंदगी वाली सही मेहनत सही तरीके से करना मुझे सिखा दे, और उसके सीखने के लिए हम जा रहे हैं हमारी तो मदद करवा दें। तो सब तय करो कि इंशाल्लाह हर साल चार महीने लगाएंगे, अरे लगाओगे इंशाल्लाह तो बाद में कहो, पहले अपने बारे में तय करो
अपने अंदर का जो है तुम्हारा मुक्ति अंदर का नफ्स, उस नफ्स को कहो भाई बहुत हो गया, अब हर साथ प्यार में लगाने हैं और अपनी जिंदगी बनानी है, और मैं खैर फैसला करता हूँ। पहले अंदर से तय करो, फिर अपने बारे में तय करके खड़े तो बोलना शुरू करो, फिर इंशाल्लाह हर साल चार महीने में लगाऊंगा और आओ आज इस साल से अपने चार महीने बना वर्ष में इंशाल्लाह शुरू करूंगा। अब खड़े होकर बोलो अपना नाम लिखाओ।